तो ये गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज नेट प्लेस में आया हूँ मैं, यहाँ पर शॉपिंग करने आया भाई। ये यहाँ पर कुछ दिन पहले सौरभ जोशी आके गए हैं और ये यहाँ पर सेफ्टी के लिए PCR भी खड़ी है, अगर रात हो जाती है तो हमारे लिए। ये व्यू चेक करो आप, कई दिनों बाद ब्लॉग आएगा और डायरेक्ट कनाट प्लेस CP। मोटे एक बार इधर खड़े हो। एक मिनट भाई, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, फिर खड़ा होता हूँ। भाई ब्लॉग शूट कर रहे थे, चले कपड़े लेने अब भाई। चले भाई कपड़े सीधे वहीं मिलते हैं। तो दोस्तों जाते जाते ये कुछ नजारा दिखा बढ़िया सा। अभी दुकान मिली नहीं है, यहाँ सौरभ जोशी भी आके गया, ऐसा लग रहा है वही यहाँ पर आ रखा है अभी भी, पर वो चला गया यहाँ से। ये थार भी उसी भाई की जा रही है लग रहा है। चल भाई चले, क्या कर रहा है ये भाई? अपना स्नैप बना रहा, हम चलते हैं। ट्रैफिक देखो गाइस, अभी हनी सिंह भी आने वाला है, सुनने में आई है ना भाई, तभी इतनी भीड़ हो रखी है। हनी सिंह के साथ होमी दिल्ली वाला भी आ रहा है। चलो चलते हैं, आपको सीधा इवेंट में मिलते हैं। ओके, मार्केट के अंदर घुस चुके हैं पालिका पे, अलाउड नहीं करते। क्या क्या लेना है तेरे को पहले ये बता। पैंट लूंगा भाई मैं। भाई यहाँ पर अब वीडियो बना नहीं सकते, यहाँ लोग मना कर रहे हैं, अब बाहर चल के मिलते हैं आपको, है ना? तो बोला ही था उसने, मैंने मना कर दिया था, 600 में खाया था। तो वो वाले का बोला था 600, ये पचास सही देने वाली बात कर ले, क्या देगा? 600 में नहीं आएगा, 600 से बढ़ा देगा, सही क्या देगा? अरे फिर थोड़ा बजट बढ़ा ले, दरअसल कैसे रह गई थोड़ी सी। अरे यार इतने केर में कहीं और से ले लूंगा यार, 1000 रुपए दिए सर। भाई हमें मार्केट में देखो कौन बंदे मिले। ये उल्टे व्यक्ति हैं, ये कभी भी सीधा काम नहीं कर सकते हैं। जिस राहुल गांधी को NCC के बारे में नहीं पता कि नेशनल कैडेट कॉर्प क्या होता है, एक बच्ची ने पूछा था सर सभा में। देख लो भाई यहाँ पर जंग छिड़ चुकी है, यहाँ देखो। हमारे एक कहानी सुनाई जाती है कि अगर एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर वो कल्चर दिया जाए ना, इंग्लिश वाला कल्चर जहाँ पे सभी इंग्लिश बोलते हैं, तो अंग्रेजों से बढ़िया इंग्लिश बोलने लगता है। ये वही है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, अगर डिग्री होती है। दोस्तों मार्केट से निकल चुके हैं, बड़ी भीड़ थी और कुछ घाटा भी हुआ कुछ फायदा भी हुआ। और मेट्रो ये रहा राजीव चौक का, यहाँ से डायरेक्ट द्वारका सेक्टर 10 है ना भाई। कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसा है भाई। तो गाइस द्वारका सेक्टर 10 आ गए शॉपिंग करके, रात के 9 बज गए। क्यों भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शॉपिंग कर ली है। और बैग तो दिखा दे अपना बैग भाई, फुल लोडेड लगा दो, 2 रोल लगा। ये सेक्टर 10 का कुछ बाहर से मेट्रो है सर, अब रोल खा रहे हैं भाई। अपना नंबर लीक कर दे, मैंने अपना तो घर पे मिलते हैं, डायरेक्ट ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है? 100 रुपए। तो दोस्तों कल हम रात को ब्लॉग एंड तो नहीं कर पाए, पर अभी करते हैं। और ब्लॉग एंड करने से पहले एक बात बताता हूँ, वहाँ पर सतर्क रहना, वहाँ लूट भी सकते आप लोगों को। सेकेंड हैंड पैंट भी बेच रहे थे वो लोग, और हम तो बच गए, हमें अच्छे और क्वालिटी के कपड़े मिले हैं। तो आप लोग उस फ्रॉड से बच लें और ऊपर बढ़िया मिलते हैं। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और सी जगह।